दो बॉयल आलू लिए हैं और इसे हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ये एक प्याली ग्रेट करी हुई चिकन ली है हमने, अब ये भी हम आलू में शामिल करेंगे। एक प्याज छोटी ली हमने, उसे इस तरह चॉप कर लिया बारीक। हरी मिर्चें 2 से 3 लिए, इन्हें भी बारीक चॉप कर लिया। कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1/2 टीस्पून जीरा है भुना हुआ, और नमक टेस्ट के हिसाब से लिया। कर लेंगे, ये फिलिंग तैयार हो जाएगी मिक्स करने के बाद। हमने 4 टेबल स्पून बेसन लिया है और 2 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर रहे हैं इसमें, 1 टीस्पून मिर्च लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब बैटर में पानी यूज़ कर रहे हैं और एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना लिक्विड है। सैंडविचेस बनाने के लिए हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, अब इनके एजेस हम तमाम कट कर लेंगे। ब्रेड का स्लाइस ले लिया है हमने, अब इसके ऊपर हम जो फिलिंग हमने तैयार करी है वो रखेंगे। अच्छी तरह से फिलिंग को पूरे ब्रेड के पीस पर फैला देंगे और फिर ऊपर से एक ब्रेड का पीस भी रखेंगे हम इसके ऊपर और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे सैंडविच की शक्ल में। ये देखें कट हो चुका है, ऑयल गर्म हो गया हमारा। अब बेसन के बैटर में हम इसे डिप करेंगे और फ्राई करने के लिए रख देंगे। ये कोटिंग लगा के इसे फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, दोनों तरफ से गोल्डन हल्का हल्का कर लेंगे। हमारी दूसरी रेसिपी ग्रिल सैंडविचेस हैं, इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। ये फिलिंग लगाने के बाद इसके ऊपर हम टमाटो केचप लगा रहे हैं। ये हम घी से इसको ग्रीस कर रहे हैं क्योंकि सैंडविच वगैरह घी में ही अच्छे लगते हैं। ऊपर से भी हम घी से हल्का हल्का ग्रीस कर रहे हैं। माशाल्लाह से देखें ग्रिल सैंडविचेस भी तैयार हो गए हैं, इनकी लुक देखें। अब इसके ऊपर हम टमाटो केचप लगा रहे हैं। ये 100 ग्राम हमारे पास चिकन है और हमने इसको बहुत छोटे से पीसेस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून काला नमक, नमक हसबे जायका लिया है, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून पिसा हुआ भुना हुआ जीरा लिया है मैंने। अब ये सब चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन में। 1 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे, इससे फ्लेवर इसका बहुत स्मोकी आता है। 1 टेबल स्पून दही लिया है मैंने, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी इसमें शामिल कर दिया। इसके अंदर लेमन का जूस यूज़ करा है। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, अब इसमें जितना हमने मिक्सर तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 शिमला मिर्च और 2 टमाटर, इन सबको हमने तीनों चीज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो बस हमें मिक्स करना है ताकि वेजिटेबल्स बस खड़ी खड़ी रहें, अगर इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने ये बन लिए हैं, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, बिल्कुल ताज़े बन लेंगे हम इसे। अब इन्हें हम बीच में से स्किन इसकी हटा के और हल्का सा कटोरी की मदद से इसे प्रेस करेंगे ताकि एक होल की शक्ल बन जाए इसके अंदर। ये होल की शक्ल बन जाएगी जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह। ये देखें एक होल की शक्ल बन गई है, इसी तरह से तमाम बन तैयार कर लेंगे फिलिंग करने के लिए। मायोनीज़ के अंदर हम हरी चटनी के 2 टेबल स्पून मिला रहे हैं, मिक्स कर लेंगे तो ये मायोनीज़ हमारे पास तैयार हो जाएगा फिलिंग करने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने इसे और हमने पिज़्ज़ा चीज़ को ग्रेट कर लिया है। अब हमने बन लिया है, सबसे पहले हम इसमें मायोनीज़ और चटनी मिला के लगाएंगे। अच्छी तरह से हमने लगा लिया इसमें, अब इसमें फिलिंग करेंगे
जो मिक्सर हमने तैयार करके रखा हुआ था ये हमने मिक्सर डाल दिया। अब इसके ऊपर हम बहुत सारी सी पिज़्ज़ा चीज़ डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से चारों हमारे पास तैयार हो गए मिनी पिज़्ज़ा। इन सब में हमने फिलिंग भी कर ली है और ऊपर से पिज़्ज़ा चीज़ भी लगा ली। और अब हम इस पर हल्का सा ऑयल लगा रहे हैं, ऑयल से इसके ऊपर कलर बहुत प्यारा आता है। स्टोव फ्राई पैन लिया है और इसको हमने ग्रीस कर लिया ऑयल से और हल्का गर्म भी कर लिया। अब हम इसमें सारे बन रखेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम इन्हें पकाएंगे और चीज़ मेल्ट हो जाए तो फिर ये रेडी हो जाएंगे। माशाल्लाह से देखें ये मिनी पिज़्ज़ा हमारे पास तैयार हो गए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में ही इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। और इसके बाद हम केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। अब इसे हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बनाएं। ये देखें माशाल्लाह से, अब देखें इसे हमने कट करा है माशाल्लाह से। इसकी फीलिंग देखें, इसकी चीज़ देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अब इसे हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा बना। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़।